यस बेटा, एट्थ क्लास। देखिए आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, रेखांकित पदानि आधृते प्रश्न निर्माणम कृत। रेखांकित किए गए नीचे लिखे गए प्रश्नों से उत्तरों से प्रश्न निर्माण करना है। ये आपको आंसर दिया, उत्तर दिया हुआ है, आपको इसका प्रश्न बनाना है। तो देखिए पहला है, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं तो हमेशा हमें आपको किम का शब्द रूप याद होना चाहिए। 90-95% किम के शब्द रूप से होते हैं। तो ये आपका 112 पेज नंबर 112 पर किम का शब्द रूप है। किम के तीनों दिए हुए हैं, सर्वनाम भी और पुल्लिंग भी, सर्वनाम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो हमेशा मोस्टली क्वेश्चन इसी में, तो सबसे पहले तो किम के शब्द रूप को लिखेंगे आप सभी बच्चे, जितनी बार भी जितने लेसन में आ रहा है सब में लिखेंगे, जिससे आपको अच्छे से आ जाइए। तो सबसे पहले किम का शब्द रूप, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में क्या होता है, प्रथमा और द्वितीय अलग होती हैं केवल, और उसके बाद ये पुल्लिंग की तरह से चलता है। जैसे किम के काने, किम के काने, फिर आगे केन का भ्यम कई, कश्मई का भ्यम के भय, कस्मात का भ्यम, इस तरह से। अब आप देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे तो, आश्रमस्य विषये निषाद राजा जानाति। आश्रमस्य, अस्य किस में आया, सस्य विभक्ति में, तो इसकी जगह पर आप क्या लिख देंगे, कस्य। क्या लिख देंगे, कस्य। अगर आपको शब्द रूप याद होंगे तो आप यहाँ ये लिख सकते हैं। इसी तरह से आपका सेकंड देखिए, भरत है श्री रामस्य पादयोपत्ति, भरत तो क्या आएगा, कै। क्या जाएगा, कै, क्योंकि भरत भरतऊ भरता, ऐसे चलेंगे शब्द रूप, तो क्या आएगा, कै। अयोध्या राजा श्री राम में अस्थि अयोध्या, या किस में आया, स्त्रीलिंग के पंचमी और षष्ठी, कश्या, तो अयोध्या। मया सह, मया किस में आएगा, मया किस में आया, कया, तो क्या आ जाएगा, तृतीय विभक्ति। चतुर्दश वर्षा अंते श्री राम अयोध्याम, चतुर्दश वर्षा अंते, इसमें कदा आएगा बेटा, जब कोई भी संख्यावाची आता है तो उसमें क्या आता है, कदा, यदा, कदा, कब, कदा चतुर, कदा श्री राम अयोध्याम गमिष्यति। भरतेन सदृश को अपि अन्य भ्राता न अस्ति, भरतेन तेन, तो तेन किस में है, तृतीय में, तो क्या लिख देंगे, तेन, तृतीय विभक्ति, भरतेन। तो इस तरह से बेटा किम के शब्द रूप को आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। एक बार देखिए, मैं आपको सभी फिर से बता भी देती हूँ। आश्रमस्य, इसमें आ जाएगा कश्य, कश्य, फिर आके आपको ये क्वेश्चन लिखता है, कश्य विषय निषाद राजे जानाति। सेकंड है, भरत है श्री रामस्य पादयोपत्ति, तो क्या आ जाएगा, कै, कै श्री रामस्य पादयोपत्ति। अयोध्या, तो क्या आ जाएगा, कया राजा श्री राम अस्ति। आगे है, मया सह अयोध्याम चलतु, तो क्या आ जाएगा, कौन सी विभक्ति है यहाँ पर, तृतीय विभक्ति, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति अयोध्या में थी, पंचमी और षष्ठी दोनों हो सकती हैं, तो मया में तृतीय है। चतुर्दश वर्षा अंते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कदा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, कदा, तो यहाँ पर कया आ जाएगा, ठीक है। भरतेन, भरतेन तृतीय में है, तो क्या आ जाएगा, केन, केन सदस्य को अपनी अन्य भ्राते न अस्ति। इस तरह से ये है बेटे। अब आगे आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अधोलिखित वाक्यानि शुद्धम कृत्वा लिखित। नीचे लिखे गए वाक्यों को, इसमें अशुद्धियां हैं और मोस्टली अशुद्धियां आपको लेसन अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ध्यान नहीं आएंगी। ये व्याकरण का पोर्शन है बेटा। देखिए, अहम तव सेवक स्मह, स्मह नहीं आएगा, क्योंकि स्मह कैसे होता है, अस्ति स्थसंति असि स्थस्थ है, अस्मि स्वस्मह, लेकिन अहम के साथ क्या आएगा, अस्मि। अहम तव सेवक है अस्मि, भवान एव राजा, भवान आप, एक के लिए है, तो संति बहुवचन के लिए आता है, अस्ति स्तः संति, तो यहाँ पर क्या आएगा, अस्ति, भवान एव राजा अस्ति। तव आगमने अहम प्रसन्ना स्मे, देखिए स्मे आया, स्मे बहुवचन के लिए आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वयम, तव आगमने वयम प्रसन्ना स्मे। माम सह अयोध्याम चलतु भवान, माम, माम नहीं, मया आता है, मया सह, सह के साथ हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, तो मया सह अयोध्याम चलतु भवान। अहम पितृ पालकौ हो नहीं, पालकौ नहीं, पालकौ तो द्विवचन हो जाएगा, अहम
पितृवचन पालक है अस्मि, भवान किम अहम कथम निवच्छामि, भवंतम बिना, भवंतम क्या जाएगा, भवंतम बिना। वैसे आप इनको अगर अपने लेसन में ढूंढेंगे वहाँ भी आपको मिल जाएंगे। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड करना है और आपको किम का शब्द रूप करना है, यही आपका काम है। साथ साथ इनको पढ़ भी लें। ओके बेटा, बाय।